तो फाइनली थगेश ने रिएक्ट किया है रजत दलाल के इस पूरे मैटर के ऊपर और उन्होंने रिप्लाई दिया है फ्लाइंग बीस्ट एंड उन सभी लोगों को जो लोग उन्हें रजत दलाल की वजह से हेट दे रहे थे कि तुम इतने बड़े क्रिएटर होने के बाद व्यूज और कंटेंट के लिए ऐसे गुंडे लोगों के साथ कोलैब कर रहे हो। थगेश ने कहा कि रजत दलाल ने काफी गलत किया है एंड इस चीज की उन्हें सजा मिलनी चाहिए। बाकी उन्होंने क्या कहा आप देखिए। पहली बार ऐसा हुआ होगा जो एक्चुअल मैटर है उसको छोड़कर बाकी क्रिएटर्स को ज्यादा हेट पड़ रही है। जब रजत दलाल हमारे चैनल पे आया था तब वो ऑनलाइन फाइट्स पिकअप करता था एंड ऐसा कोई भी एलिगेशन नहीं था उनपे। उनके आए दिन लफड़े होते थे, इसके लिए उनको लफड़ा सेंट्रल नामक शो पे बुलाया। ओके नाउ जिसका प्योर इंटेंशन था यही सारी चीजें जो आप आज बोल रहे हो वो मैंने 2 महीने पहले फेस टू फेस उनको पूछी जो कि किसी ने नहीं किया। मैं एक शो चलाता हूँ, मैं शोज चलाता हूँ फॉर अ लिविंग। ओके अगर मेरे इतने सारे गेस्ट में से कल को कोई भी गेस्ट जाके कोई क्राइम कर दे, कोई भी गेस्ट जाके किसी का खून कर दे तो मेरी जिम्मेदारी थोड़ी होगी। ऐसे तो न्यूज चैनल पे कितने बड़े बड़े कैसे कैसे लोग आके गए, क्या न्यूज चैनल का गलती हुआ? इस हिसाब से मतलब अगर कल को कोई गेस्ट सीएम बन जाए या बड़ा फिल्म एक्टर बन जाए उसका क्रेडिट तो मेरे को ही मिलना चाहिए, है ना? फुकरा इंसान मेरे शो में आया उसके बाद ही बिग बॉस जीता, फेम मिला। बाकी इस सब पर आपकी क्या राय है मुझे कमेंट में जरूर बताना और अगर आप लोग वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब याद से कर देना।